नमस्कार, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके साथ बात करूंगी मकर राशि के जातकों का सितंबर का जो मंथ है ना, वो कैसा जाने वाला है। मैं आपको बता दूं, जो प्रेडिक्शन है मैं चंद्र राशि के अनुसार कर रही हूं, तो आप अकॉर्डिंगली ही देखें। देखिए, सितंबर का जो मंथ है ना, वो मकर राशि के जातकों के लिए कुछ ना कुछ आपाधापी वाला जा सकता है, यानी कि भागम भाग वाला जा सकता है। आपको चीज़ों को लेकर ना बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं रहना है इस मंथ। आपको थोड़ा सा अपने अंदर पोलाइटनेस लाने की ज़रूरत है। आप अपने रिलेशनशिप्स पर भी इस मंथ ज़रूर काम करें। कहीं ना बेवजह आप कुछ भी ना बोल दें किसी को, जिससे आपकी चीज़ें बिगड़ जाएँ। अगर आप जॉब के अंदर हैं, बिजनेस के अंदर है, तो आपको अपनी जॉब के अंदर भी स्थिरता बनाए रखने की ज़रूरत है। मेहनत पहले से ज़्यादा करने की ज़रूरत है। जॉब में आपको अच्छे परिणाम मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप बिजनेसमैन हैं, तो बिजनेस के अंदर आपको इस महीने बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हुए दिखाई देंगे। आपकी जो ग्रोथ है वो बढ़ सकती है, आपकी सेल बढ़ सकती है, आपकी परचेजिंग बढ़ सकती है इस मंथ। आपका खर्चा भी थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, तो अपने खर्चों पर थोड़ा सा नियंत्रण बनाए रखें। साथ ही साथ अगर मैं बता दूं, आप स्टूडेंट हैं, तो इस महीने आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। और अगर मैं लव लाइफ़ की बात करूं, तो लव लाइफ़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स देखी जा सकती हैं इस मंथ। आपको अपने पार्टनर को समझने की ज़रूरत है। कुछ भी अपशब्द अपने पार्टनर को बिल्कुल भी ना बोलें, ऐसा करने से आपकी चीज़ें बहुत हद तक हैम्पर हो सकती हैं। अगर मैं हेल्थ की बात करूं, तो इस मंथ आपको हेल्थ का ध्यान देने की ज़रूरत है। गले से रिलेटेड प्रॉब्लम, नाक से, आँख से रिलेटेड प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं बनती हुई दिखाई दे रही हैं। साथ ही साथ आपको इस मंथ थोड़ी सी चोट लगने के भी चांसेस हैं, तो आप अपना ध्यान रखें। अगर मैं रेमेडी की बात करूं, आपको इस मंथ कौन सी ऐसी रेमेडी है जो परफॉर्म करने से आपकी चीज़ें बहुत हद तक बेटर हो सकती हैं, तो आपको इस मंथ गणेश जी की आराधना ज़रूर करनी है। आपको किसी भी गणेश मंदिर में जाकर गणेश जी को मोदक ज़रूर लगाने हैं, फिर देखिए गणेश जी कैसे आप सभी का बेड़ा पार करते हैं। थैंक यू सो मच। जय माता दी।